हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने सुबह में ही बताया था अपने द हिंदू पेपर के एनालिसिस में, जो टॉप हमारा न्यूज़ था उसमें करंट अफेयर्स मैंने दिया था, तो उसमें मैंने बोला था कि आज एक बढ़िया सा टेक न्यूज़ आने वाला है, और वो टेक न्यूज़ और कुछ नहीं द पेगासस के ऊपर है। पेगासस जो स्पाईवेयर है, जो एक मालवेयर है, एक ऐसा जासूस है जो किसी के भी फ़ोन में घुस करके उस फ़ोन को बिल्कुल उसका सारा डाटा ले रहा है। और ये किसी भी नॉर्मल आदमी के फ़ोन में नहीं घुस करके, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जैसे कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हुआ, किसी कंट्री के जो भी किसी कंपनी के सीईओ हुए हैं, तो उन सब के सॉफ्टवेयर में, उन सब के फ़ोन में ये घुस करके ये सारा डाटा ले रहा है। अभी बहुत दिनों से, मतलब पिछले कुछ दिनों से, एक वीक से ये इंडिया में भी आ गया है, और इंडिया में ऑलरेडी स्पाईवेयर को लेकर के, जासूसी को लेकर के ऐसा, मतलब विधानसभा में, पार्लियामेंट में भी हंगामा हो रहा है। तो चलिए, आज सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में। पेगासस क्या है, ये स्पाईवेयर कहाँ से आया है, कब बना था, कहाँ कहाँ गया है, किसके फ़ोन में गया है, और कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये कैसे फ़ोन को यूज़ कर रहा है, क्या क्या डाटा ले रहा है, और इसको आप कैसे बंद कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं भी जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मैं ये इन्फॉर्मेशन है, जो पेगासस का जो न्यूज़ है, वो मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में शेयर करूँगा। तो फिर बाद में बहुतों ने बोला कि ये हिंदी के साथ साथ मुझे इंग्लिश में भी चाहिए, तो इसीलिए मैं आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर करूँगा। पर क्योंकि मैंने हिंदी के बात किया था, तो पहले मैं स्टार्ट हिंदी से ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, मतलब एक ऐसा स्पाईवेयर है। ये स्पाईवेयर एक्चुअली होता क्या है, पहले ये बता रहा हूँ। स्पाईवेयर एक ऐसा, मतलब जासूसी करने का एक तरीका है। जासूसी करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई वायरस या किसी भी टाइप का लिंक क्रिएट किया जाता है, तो वही है ये स्पाईवेयर। और ये जो अभी पेगासस है, ये एन एस ओ जो कि इजरायली का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इजरायल कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसे बनाया था 2016 में। आपके मन में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, बहुत सारा एकदम सवाल होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है, और ये क्या आपके भी फ़ोन में आ सकता है? अगर आ सकता है तो फिर आप इसको रोकेंगे कैसे, आप पहचानेंगे कैसे? तो जो भी ये न्यूज़ है, जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर रेडी हूँ, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पेगासस है, वो किसी भी फ़ोन में, किसी भी डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जो वाईफाई से कनेक्ट हो, जो नेट से कनेक्ट हो, उसमें बिना किसी बटन को क्लिक किए हुए ही इंस्टॉल हो जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पेगासस सॉफ्टवेयर को टारगेट में, मोबाइल में, बिना कोई क्लिक किए इंस्टॉल हो जाता है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ को भी चेतावनी दिया है कि ये ऐसा, मतलब जो इसका पेगासस जो बना हुआ है, जो स्पाईवेयर बना हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी अपने तक ही सीमित कर ले और इसे फैलने ना दे। तो अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कैसे करता है ये खुद को तबाह। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि जो पेगासस है, वो अगर ये जो स्पाईवेयर है, ये अगर किसी भी डिवाइस में जाता है और अगर कोई इसे डिटेक्ट कर ले, तो ये खुद को तबाह कर लेता है। तो ये आखिर खुद को तबाह कैसे करता है, ये भी आपके मन में आ रहा होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेगासस है, वो पहली बात की ये एक एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, एनएसओ जो कि इजरायली ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया है। और ये अभी सिर्फ इज़राइल को ना छोड़ मतलब इज़राइल को छोड़कर के बाकी पूरे जितने भी विश्व भर में हैं, ऑलमोस्ट 45 to 46 कंट्रीज़ में ये बड़े बड़े पर्सनैलिटी को टारगेट कर रखा है, ठीक है? और जब इसका पोल खुल गया, मतलब जब अमेरिकन मीडिया ने, यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड की मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, जब सब ने मिलकर इसका पोल खोला, तो फिर इसमें एक ऐसा सिस्टम शायद उसने लॉन्च किया है जिसके कारण ये खुद को, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है।
अगर किसी फ़ोन में पेक्सस है तो अमेरिकी सीमा में दाखिल होते ही उसको फ़ोन से पेक्सस का ख़त्म हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा अभी न्यूज़ आ रहा है कि जो पेक्सस है वो अगर आप किसी भी अमेरिकी सीमा में जाते हैं तो वो वहाँ जाते के साथ ही आपका अगर फ़ोन आपके डिवाइस में है और अगर आप अमेरिकी सीमा में एंटर करते हैं तो फिर वो वहाँ जाते के साथ में ही ख़त्म हो जाएगा। एक एक न्यूज़ और है कि अब आपको पता चलना चाहिए कि ये इसका ये मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन लाता कहाँ से है और कैसे बना रहा है। तो अगर हम NSO के मुताबिक माने तो NSO जैसा जो जासूसी सॉफ्टवेयर बस ये नहीं बोलता है कि ये सिर्फ निगरानी रखता है, वो टोटल मतलब शुरुआत हुआ था इसका SMS रिकॉर्ड से, SMS रिकॉर्ड, कॉल हिस्ट्री, ईमेल, मैसेज, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कमांड सर्वर, उसका कैमरा, रिकॉर्डिंग, ये सारा चीज़ को वो टारगेट करता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इतना चीज़ किसी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन का इन्फॉर्मेशन को वो टारगेट कर रहा है तो इसका कितना घातक हो सकता है इसके लिए, और कैसे वो एक तरह से अगर देखा जाए तो कैसे वो पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। आपके इन्फॉर्मेशन से आपको ही ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके इन्फॉर्मेशन से किसी कंट्री को खतरा हो सकता है, कोई सिक्योरिटी का इन्फॉर्मेशन वो लीक कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत एक तरह से बहुत ख़राब सॉफ्टवेयर है, मतलब स्पाईवेयर है वह। और जो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो आपका सॉफ्ट अगर ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइस में आ जाता है तो ये सिर्फ उतना करने के साथ साथ आपके लोकेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। मीन्स आपका फ़ोन, आपका डिवाइस, आपका मशीन जो भी अगर ये उसमें एंटर कर जाता है तो वो पूरी तरह फिर इसी के कंट्रोल में हो जाता है। ये GPS के लोकेशन तक को ट्रैक कर सकता है। तो आप पूछेंगे GPS लोकेशन को कैसे ट्रैक कर सकता है, GPS लोकेशन तो ट्रैक हो नहीं सकता है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, अगर टारगेट ने अपना GPS बंद कर रखा है तो पेक्सस क्या करेगा, पेक्सस अंदर उसके फ़ोन में या उसके डिवाइस में जहाँ भी है वो अंदर से पेक्सस उसको ऑन कर देगा, आपका GPS लोकेशन ट्रैकिंग को ऑन कर देगा, ठीक है। और GPS लोकेशन ट्रैकिंग ऑन करने के बाद में सैपलिंग के बाद भी बंद कर देता है, मतलब अब वो एक बार आपका वो ट्रैक ले मतलब लोकेशन ले लिया कि आप यहाँ पे, उसके बाद वो बंद कर सकता है, ठीक है। अगर GPS सिग्नल को एक्सेस नहीं किया जा सकता तो फिर सेल ID से सूचना ली जा सकती है। ये भी एक बात है कि जहाँ से आप जो हर हर फोन में, हर डिवाइस में आपका सिम है तो वो कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है ये किसी को पता चल सकता है, तो वो उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। बल्कि इतना ही नहीं, वो लोकेशन के साथ साथ रिकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, आपके कैमरा तक को कंट्रोल कर सकता है। तो इसके जरिए आप कहाँ पे हैं, आसपास का क्या वातावरण है, आप किस एनवायरनमेंट में हैं, वो इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके माइक्रोफोन को ऑन करके, वो टारगेट करके वो सारा चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इतना होने के बाद में वो आपके कैमरा को कंट्रोल कर सकता है। अगर टारगेट के पास अपना अपना मतलब फ़ोन है और फ़ोन बंद है और अगर मान लो आप हाथ में लेकर फ़ोन चल रहे हो तो वो आपका कैमरा ऑन करके वो फ़ोटो क्लिक करके वो अपने पास फ़ोटो ले सकता है, मतलब बिल्कुल इतना ख़तरनाक है। हालांकि NSO के मुताबिक चूँकि फ़ोटो लेने में फ्लैश का इस्तेमाल नहीं होता है और फ़ोन हिलते रहना या बंद कैमरे में होने के बाद भी संभावना रहती है, तो ये कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ा दिक्कत है और बहुत बड़ा न्यूज़ है। हालांकि रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स का जो आपका अलर्ट रहता है, जैसे कि अगर आप में कोई भी कोई आप बाहर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर अननोन साइट से इंस्टॉल हो रहा है तो आप इसको नहीं इंस्टॉल करिए, इसमें कोई मालवेयर हो सकता है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है। तो इस चीज़ को भी वो बंद कर सकता है, मतलब कनेक्शन अलर्ट किसी खास नंबर पे भी भेज सकता है या कॉल मैसेज आने जाने पर वो उस चीज़ को पाबंदी भी लगा सकता है। मतलब आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि जो इसका ट्रांसमिशन होता है, जो इसका डाटा को ये एक जगह से दूसरे जगह सेंड करता है, ये पूरा का पूरा डाटा आपका इनविजिबल रहता है, पूरा डाटा इनविजिबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक आर्टिकल आया था सर्च सिक्योरिटी का, उसमें बताया गया था कि ये पेक्सस है क्या और पेक्सस यूज़ कैसे करता है। तो अब हम लोग इंग्लिश में भी एक बार समझ लेते हैं कि पेक्सस क्या है। पेक्सस मालवेयर इज अ स्पाईवेयर डेट कैन हैक एनी iOS और एंड्रॉयड डिवाइस एंड स्टील अ वैरायटी ऑफ डाटा फ्रॉम द इन्फेक्टेड डिवाइस।
इंक्लूडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, की लॉग्स, ऑडियो एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस सच एज फेसबुक और इंस्टाग्राम. द स्पाईवेयर कैन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन एंड वीडियो एज वेल एज स्नैप पिक्चर्स फ्रॉम द डिवाइसेस कैमरा. द मालवेयर वॉज क्रिएटेड बाई एनएसओ ग्रुप एंड इजराइली साइबर सिक्योरिटी फर्म फाउंडेड इन 2010 एंड हैज़ बीन अराउंड सिंस इन द लास्ट समर ऑफ 2016. मतलब कि 2010 में ये कंपनी, ये एनएसओ ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था और 2016 में ये पेक्सस मालवेयर को बनाया गया है. उसी टाइम से ये पेक्सस मालवेयर काम कर रहा है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेक्सस मालवेयर काम कैसे करता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. अब आपको जब अगर हिस्ट्री की बात करें कि ये हिस्ट्री हुआ कैसे, इसका उदय कैसे हुआ, तो ये बताया जाता है कि जो पेक्सस है वो पहले डिस्कवर किया गया था अहमद मंसूर, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, उनके थ्रू वो इस चीज़ को सबसे पहले यूज़ किए थे. हालांकि ये जो पेक्सस है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जेफ बेजोस को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान हाशमी को, उनका भी डाटा ले चुका है और और भी बहुत सारे यूएन के पत्रकार का, उन सब का भी डाटा ले चुका है पेक्सस. तो अब आप ये भी जान लीजिए कि पेक्सस यूज़ कैसे होता है, मतलब पेक्सस को यूज़ कौन कर रहा है. तो एनएसओ ग्रुप हैज़ सेड दैट इट सेल्स इट्स सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर टू गवर्नमेंट टू हेल्प देम फाइट टेररिज्म एंड सीरियस क्राइम. आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को टेररिज्म और सीरियस क्राइम के फाइट करने के लिए बनाया गया है, तो आप उस चीज़ का पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते हैं. बट ये अभी अगर देखा जाए तो पर्सनल यूज़ कर रहे हैं. हालांकि ये इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं, इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं कि ये पर्सनल यूज़ कर रहे हैं. इनका कहना है कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल, मतलब वो सारे डाटा का इस्तेमाल, सारे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म और सीरियस क्राइम से लड़ने के लिए कर रहे हैं. हालांकि अगर पेक्सस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ के गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दिया है, तो इन स्पाईवेयर इंक्लूडिंग पेक्सस हैज़ बीन लाइसेंस टू डजन्स ऑफ कंट्रीज लाइक मैक्सिको, बहरैन, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. क्योंकि उन सब कंपनीज ने, उन सब कंट्रीज ने इसको ऑलरेडी पहले से भी सारा कुछ डाटा, सारा कुछ लाइसेंस दे दिया है और इसी कारण से वो लोग यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, सारा का सारा डाटा ले रहे हैं उन सब का. हमारे पास एक रिपोर्ट भी आया था कि वो किस तरह से ग्लोबल लेवल पे और ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है, मतलब वो किस तरह से ग्लोबल स्केल पे ह्यूमन राइट को उल्लंघन कर रहा है. जैसे आप समझ सकते हैं किसी भी पर्सन का राइट होता है, ह्यूमन राइट होता है, राइट टू फ्री स्पीच, या तो उसी तरह से ये सारा का सारा राइट का उल्लंघन कर रहा है. राइट टू इंफॉर्मेशन है, आप किसी का डाटा, आपको जो डाटा चाहिए वो ले सकते हैं, मगर ये सारा पर्सनल डाटा आपसे ले रहा है. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए. और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर इन सब इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका फुल एक PDF भी बना कर दे सकता हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक, कमेंट, शेयर सब करिए. ठीक है, थैंक यू ऑल.